हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वाई टेक्निकल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक वीडियो है जो टिकटॉक पर काफ़ी वायरल हो रही है और एक बंदे ने ये वीडियो अपलोड की थी अपने अकाउंट पर, उसके अच्छे खासे फॉलोवर भी गेन हो चुके हैं। मैंने देखा है पहले के फॉलोवर 10 के थे, अब काफ़ी अच्छे इंक्रीज़ हो चुके हैं। और उसकी जो वीडियो है वो जो भी वीडियो वो अपलोड कर रहा है उसकी हर वीडियो मतलब वायरल हो रही है। वही टॉपिक पर पा रहा है, वही टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, मतलब वो उस वीडियो की मैं एडिटिंग आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप सीखना चाहते हैं और वायरल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो गाइस अगर आप वो वीडियो बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है काइनमास्टर। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको विदाउट वाटरमार्क वाली एप्लीकेशन चाहिए काइनमास्टर वाली, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं वहाँ पर आपको लिंक सेंड कर दूँगा। तो गाइस उसके बाद आपने सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे 16:9 रेक्सो वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीडिया पर चले जाना है, उसके बाद जो आपने वीडियो अपनी शूट की होगी उसको यहाँ पे क्लिक करके ले आना है गाइस। तो मैं भी वीडियो ले आया हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को देख लेते हैं। जो इस वीडियो का मतलब फालतू पार्ट है हम उसको ट्रिम कर देंगे। अब इसको चला कर देख लेते हैं फालतू पार्ट इसका कौन सा है। और यहाँ से हमने अपनी वीडियो को ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है गाइस। उसके बाद हमने यहाँ से हमने अपनी वीडियो को दोबारा से सेलेक्ट करना है और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। उसके बाद सीजर पर जाना है, उसको स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारी वीडियो के 2 पार्ट बन जाएंगे। और उसके बाद हमने दोबारा जाना है और ये और इसे यहाँ पे इसको वीडियो को दोबारा फिर सेट कर लेना है। उसके बाद हमने फिर दोबारा लेयर में जाना है और इसे यहाँ पे इफेक्ट पर चले जाना है। और यहाँ पे हमने एक ब्लर वाला इफेक्ट होगा, इसको अपनी वीडियो में ले आना है। उसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है, क्योंकि अपनी वीडियो जो थी उस वीडियो को जैसे फुल ब्लर करनी होगी हमको, तो ये हमारी वीडियो का इफेक्ट अच्छा बनेगा। तो गाइस जो ये इफेक्ट होगा ब्लर वाला, इसको फुल स्क्रीन करना है, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन हो वो फुल ब्लर हो जाए जैसा कि उस वीडियो में आपने देखा था। उसके बाद इसको सेट कर लेना है। उसके बाद जो आपकी वीडियो होगी इसको थोड़ा सा स्लो कर देना है, क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और अच्छी बन जाएगी और स्लो मोशन में होगी जैसा कि उस वीडियो में आपने देखा था। आपने भी स्लो कर लेना अपनी वीडियो को। तो उसके बाद फिर से अपने लेयर में जाना है, मीडिया में चले जाना है। उसके बाद आपको एक वीडियो सेलेक्ट करनी होगी ग्रीन स्क्रीन वाली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद इस वीडियो को हमने क्रॉप कर लेना है, इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होगा उसको हमने क्रॉप कर लेना है गाइस। उसके बाद इसको ठीक कर देना है और उसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसकी क्रोमा की इनेबल कर देनी है, जो इसकी ग्रीन स्क्रीन होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद इसको हमने अपने हिसाब से सेट कर लेना है गाइस, क्योंकि जैसे हमारा हाथ चलेगा वैसे ही इसको आना चाहिए। तो हमने इसको सेट कर लेते हैं गाइस। ये यहाँ पे कैसे आए, मतलब ये अच्छी इफेक्ट बन रहा है गाइस। और इसको हमने ठीक कर देना है, उसके बाद इसको सेट कर लेना है गाइस। ये देखो अच्छा इफेक्ट बन रहा है गाइस। चलो सेम टू सेम वैसी ही वीडियो बन चुकी है, और जो इसका फालतू पार्ट है हमने उसको सीजर पर जाके ट्रिम टू राइट कर देना है गाइस। यहाँ पे ट्रिम हो जाएगी। और उसके बाद आपने दोबारा लेयर पर जाना है, जो साउंड आपने उस वीडियो में लगा हुआ था उसको दोबारा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको हमने आपने सीजर पर जाके इसकी ऑडियो को ले आना है। उसके बाद इसको डिलीट कर देना है, इस वीडियो को डिलीट कर देना है गाइस। और ये इसकी ऑडियो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद इस वीडियो को अपने ऑडियो को सही कर देना है गाइस। तो उसके बाद आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है गाइस अब। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ब्लर वाला आइकन अपना सेट कर लेना है गाइस, कि थोड़ा सा ब्लर वाला आइकन है वो अच्छा हो जाए। और इसका इफेक्ट है इसको एनिमेशन लगा देना, क्योंकि आपकी वीडियो और भी अच्छी बन जाएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे शेयर के आइकन पर क्लिक कर देना है गाइस। उसके बाद इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लेना। तो गाइस आपकी वीडियो सेव हो चुकी है आपके फ़ोन में। उसके बाद आपने अपने टिकटॉक अकाउंट पर इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो गाइस ये कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना नेक्स्ट वीडियो हमने किस टॉपिक पर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें और हमारी वीडियो देखते रहें।